वहीं जाकर कुछ रिजॉर्ट ढूंढते हैं जिस रिजॉर्ट में अच्छा हम कोई स्टे कर सके। कॉर्नर सीट ले सकते हो जिसमें पीछे पूरे गंगा व्यू आपको दिखता है। यहाँ पे लोग कितनी राफ्टिंग कर रहे हैं, गुफाएं और इसके अंदर लोग जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। देखो काफी काफी गहरी गुफाएं हैं। तो यहाँ से हम ना पानी भर लेते हैं, ये पानी हमारे बर्तन धोने के काम आएगा। चेयर टेबल और सारा सेटअप, नोनू भी हेल्प करा रहा है वेजीज चॉप कराने में। नीचे ठीक बने खिले खिले। हाँ खिले खिले बने। तो हमारा राजा बन गया है और ये अच्छे से गला हुआ भी है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे ऋषिकेश ट्रिप का डे टू है और होटल से चेकआउट करने के लिए हम रेडी हैं। सामान सारा पैक कर लिया है, सारा सामान धरती से गाड़ी में लोड करते हैं और डायरेक्टली निकलते हैं एक एडवेंचर पर। एक्सप्लोर करते हैं मोहन चट्टी रिजॉर्ट्स एरिया, जहाँ पर हम आज एक कैंप साइट बुक करेंगे। वहाँ फुल कैंपिंग करेंगे, सारा अपना फूड प्रिपरेशन करेंगे, सब चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो सारा सामान हमने पैक कर लिया, गाड़ी बाहर निकाल ली थी, अब चलते हैं वापस, कंटिन्यू करते हैं। फूल चट्टी के लिए निकलेंगे अभी यहाँ से, मोहन चट्टी, और वहीं जाकर कुछ रिजॉर्ट ढूंढते हैं जिस रिजॉर्ट में अच्छा हम कोई स्टे कर सके। और इस टाइप का देखेंगे जहाँ पर ओपननेस हो ज़्यादा, गाड़ी की पार्किंग हो अच्छी, क्योंकि हमें डेफिनेटली खाना अपनी गाड़ी में बनाते हैं तो वो स्पेस हमें चाहिए होगा। यहाँ ऋषिकेश में जितने भी आपके टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे राम झूला है, लक्ष्मण झूला, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। अधिकतर जगह पर जो रेट हैं वो 100 रुपये हैं 3 घंटे के। शिवानंद पार्किंग आप देख पा रहे होगे, ये राम झूले की पार्किंग है। ऐसे ही आगे चल के लक्ष्मण झूले की पार्किंग भी आपको दिखाता हूँ। वैसे लक्ष्मण झूले पे अंदर जाकर भी काफ़ी पार्किंग है, लास्ट टाइम हमने जहाँ पार्क की थी, आप अंदर की तरफ ले जा सकते हो और गाड़ी वहाँ पर पार्क करके और फिर लक्ष्मण झूले पे जा सकते हो। लक्ष्मण झूले के आगे काफ़ी सारे कैफेज़ हैं। लास्ट टाइम ने मनु कहाँ खाया था, लिटिल बुद्धा कैफे पे हमने ट्राई किया था खाना। हाँ अच्छा था, अच्छा खाना था लिटिल बुद्धा कैफे का, राइट। वो वहाँ से व्यूज़ भी अच्छे हैं, आप अगर थोड़ा सही टाइम पर आप पहुँचते हो तो आप कॉर्नर सीट ले सकते हो जिसमें पीछे पूरे गंगा व्यू आपको दिखता है। हर बार की तरह अभी लक्ष्मण झूला के आसपास बहुत ट्रैफिक है, अप्रॉक्स 15 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पे फिर से जाम लग गया है, आप देख लीजिए, और पहाड़ों पर भी जाम का अपना ही अलग मजा है ना निशु। पर यहाँ पर ना सब लोग अपना रूल फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि अगर जाम लगाए तो फटाक से लेन चेंज की और दूसरी तरफ चले गए, नहीं ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही होंगी। वहाँ पे गंगा जी का कलर कितना सुंदर लग रहा है ना, ग्रीनिश कलर है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये ग्रीनिश कलर जो है ना, वो ऐसे में पहाड़ों की वजह से, जो पहाड़ों पे जो ग्रीन हरे पेड़ लगे हैं ना, उन पेड़ों के रिफ्लेक्शन की वजह से ही ग्रीन दिखता है। अगर यहीं पर ये पहाड़ ना होते तो वो आपको ब्लूइश दिखता, आसमान के कलर की वजह से। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे लोग कितनी राफ्टिंग कर रहे हैं, तो फुल टू इंजॉय कर रहे हैं लोग भी सब। ऋषिकेश जो लोग आते हैं वो मेनली राफ्टिंग के लिए ही आते हैं या फिर कैंपिंग के लिए आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे योगा सेंटर भी हैं जहाँ पे लोग जाते हैं योगा करने के लिए। हम लोग भी प्लान कर रहे हैं बीबी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे किसी योगा सेंटर में आएंगे और देखेंगे कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये देखिए इस वाले पॉइंट से आप देख पा रहे होंगे अगर, तो यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस के हिसाब से पैसे भी हैं। कुछ लोग सिर्फ पूरी से करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट है सिर्फ पूरी से स्टार्ट होती है राफ्टिंग।
तो बीच में भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है जहाँ से राफ्टिंग शुरू करते हैं, छोटी राफ्टिंग होती है, कॉस्ट भी कम लेते हैं उसकी। यहाँ पर एक गोपासी भी है, उसमें लोग अंदर जा रहे हैं उस गुफा में, जाके फोटो खींच रहे हैं। ये यहाँ पे गुफा है और इसके अंदर लोग जा रहे हैं, फोटो खींचा रहे हैं। देखो काफी काफी गहरी गुफा है, अंदर तक गई भी नहीं, सोचता है कोई मंदिर हो अंदर उसके। ये देखिए यहाँ से आपको अच्छा व्यू दिखेगा, सुंदर लग रहा है ना काफी देखने में। यहाँ पे हमें ये पानी भरने का वो मिल गया था झरना टाइप, तो यहाँ से हम ना पानी भर लेते हैं। ये पानी हमारे बर्तन धोने के काम आएगा। जब भी कभी ऐसा कोई पानी का सोर्स देखे ना, तो वहाँ पढ़ने उस पर वो पीने का पानी है या नहीं। जनरली जहाँ पियाऊ लिखा होता है, इसका मतलब कि आप इस पानी को पी सकते हैं, ये साफ फिल्टर्ड पानी है। पीछे भी आप देखोगे तो फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया हुआ है उसके अंदर, पाइप के अंदर से वो फिल्टर होकर पानी आ रहा है। तो दोस्तों लोग आपको इन्जॉय कराते हैं ड्राइवर के साथ ऑफ रोडिंग, इंस्टा 360 के शॉर्ट्स भी आपके लिए अटैच कर रहे हैं, इन्जॉय कीजिए। तो फाइनली हमने अपना सेटअप पूरा कम्प्लीटली ओपन कर लिया है, ये हमारी चेयर टेबल और सारा सेटअप। ये हमारा नॉर्मल पानी है जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन बैग है जिसके अंदर सारा हम कूड़ा अपने साथ लेके चलते हैं, और ये हमारा पीने का पानी और अदर चीज़। ये कार सेटअप हमारा खुल गया। तो मन्नु आज हमें बना के खिला रही हैं राजमा चावल। ये बच्चा यहाँ पर खेलना इसने अपना स्टार्ट कर दिया है बॉल से। पहले क्या बना रहे हो मन्नू? पहले हम बना रहे हैं राइस, और हम बना रहे हैं जीरे वाले राइस बना रहे हैं। जीरा राइस? ओके हाँ, जीरा राइस बना रहे हैं जो कि जल्दी बन जाएंगे। मैं इसमें अब हम थोड़े से मतलब जितने भी हमारे राइस है हम राइस डाल रहे हैं, और थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे तो मतलब टेस्ट आ जाएगा। नोनू भी हेल्प करा रहा है वेजीज चॉप कराने में। तो आज हम ये अच्छा सैलेड का इंतजाम भी है, थोड़ा सैलेड भी काट लेंगे। ठीक है, नोनू आपकी बॉल कहाँ है बेटा? यहाँ काफी तेज हवा है दोस्तों, पर ये क्योंकि एक ब्यूटेन सिलेंडर वाला स्टोव है तो चल पा रहा है। अगर नॉर्मल सिलेंडर वाला होता तो फिर भी इसकी फ्लेम को बुझने का डर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने साथ जो कूड़ा हम जो जनरेट करते हैं सिर्फ उसी को हटाते हैं, कुछ एकर एक्स्ट्रा ऐसा कुछ कूड़ा हमें दिखता है
उसको भी हम अपने साथ कैरी कर लेते हैं अपने इस बैग के अंदर, और जहाँ भी हमें डस्टबिन मिलेगा वहाँ पर हम इसको डाल देंगे। तो कुछ नहीं, एटलीस्ट एक या दो चीज़ भी हमने क्लीन कर दी उस प्लेस से, तो हमारी जो नेचर है वो मेंटेन रहेगी उसी तरीके से। मैंने पहले भी आपको दिखाया है फ्रेंड्स, ये चॉपर है, दो तरीके के आते हैं, एक स्ट्रिंग वाला भी आता है और एक ये दबाने वाला भी आता है, बट कुल मिला के दोनों ही काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। और लो 30 सेकंड से पूरी प्याज अच्छे से चॉप हो गई इसके अंदर, चावलों में हम सीटी लग रही है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी राजमा बनाने के प्रिपरेशन चालू है। देखो टमाटर भी एकदम बिल्कुल बारीक चॉप इसने कर दिए। तो ये हमारे राइस बन गए हैं, निशु ठीक बने, खिले खिले? हाँ खिले खिले बने, सही है ना? हाँ। तो अब हम राइस को निकाल लेते हैं दूसरे उसमें बर्तन में, और फिर हम इसी में राजमा बना लेंगे अपना, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हम बहुत ज़्यादा बर्तन करें और फिर वो हमें धोने भी तो होंगे, है ना? तो इस क्लीन को करने से तो अब हम राजमा बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हमने जितने भी हमारे खड़े मसाले हैं वो डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसमें अपनी शॉप करी हुई अनियन डाल रहे हैं। हमने टमाटर डाल दिए थे, इसे थोड़ा सा नमक डाल दिया था जितना हमें सब्जी के लिए चाहिए होगा। अब इसे थोड़ा पकने देते हैं, थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ क्योंकि उससे थोड़े टमाटर जल्दी पक जाएंगे। ये हमारे मसाले हो गए हैं, अब तो अब हम इस अपना राजमा डाल देंगे और इसको डिसन लगने देंगे। चलिए इसमें अपना राजमा डाल देते हैं। ये राजमा हमने ऑलरेडी सोक कर लिया था कल रात, और ये सोक हुआ हुआ राजमा, धुला हुआ राजमा है। तो हमारा राजमा बन गया है और ये अच्छे से गला हुआ भी है। तो अब इसमें धनिया डालते हैं और इसको सर्व करते हैं, क्योंकि अब बहुत तेज भूख लग रही है। इसमें धनिया डाल देंगे बस अब हम, और बटर डाल के राइस के साथ सर्व करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ सारा सामान पैक कर लिया है, गाड़ी चलने के लिए रेडी है। बच्चा जाने को तैयार नहीं है, इसको डॉगी के साथ खेलना है असल में, तो चलते हैं यहाँ से। हमने यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं छोड़ी है, और उल्टा जो कुछ यहाँ पर वेस्ट पड़ा था जितना हम उठा सकते थे हमने उठा के अपने पॉली बैग में रख लिया है, जिसको हम डस्टबिन में डंप कर देंगे। तो चलते हैं अब यहाँ से, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमारा नया चैनल है, ट्राई कर रहे हैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। अभी हमारे लिए स्टार्ट था, फर्स्ट डे था, अब धीरे धीरे हम अपना कंटेंट मैच्योर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।